गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आज आइए गाइस, हमारे मम्मी ने पकोड़े बनाए हैं तो देखते हैं गाइस। ये देखिए, हम आ गए अपनी किचन में। यह मम्मी पकोड़े तल रही हैं और यह मम्मी ने एक बैच तैयार कर भी दिया पकोड़ों का, और यह मम्मी ने चटनी बनाई है। गाइस देखिए, दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने होंगे, चटनी भी देखिए गाइस। और यहाँ पर यह बैच सीख रहे गाइस, और ये मम्मी से पूछते हैं ये मम्मी ने कैसे बनाया है। आप मम्मी, आपने कैसे बनाया है हमारे गाइजों को बताइए। ये चने की दाल के पकोड़े हैं। इस चने की दाल को पहले रात में भिगा दिया था और फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसमें नमक मिर्च और क्या कहते हैं हींग डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाल के इसको, और हल्का सा हमने इसमें जो है पालक के पत्ते डाले हैं। अच्छा, तो ये डालने के बाद फिर हमने पकोड़े बनाए, पकोड़े तल के फिर ये धनिया की चटनी तैयार कर दी है। और ये चटनी में आपने क्या क्या डाला? इस चटनी में डाला है हरा धनिया है, हरी मिर्च है और नमक है इसमें। अच्छा, ये देखिए, ये एक और बैच भी तैयार हो गया और दूसरा बैच भी तैयार हो गया गाइज। ये देखिए, आज आप अब आपको दिखाएंगे खाने में कैसे हो रहे हैं। मम्मी सर्व करेगी हमें। ये देखिए गाइस, अब मम्मी ने ये सर्व कर दिया है, अब हम इसे खा के दिखाते हैं। पहले मम्मी आप खा के दिखाओ। टेस्टी बने हैं ये, बहुत सही हो रहे हैं, ऐसे चटनी लग रही है और इस तरीके से खाएं। अब गाइस हम ट्राई करते हैं। गाइस क्या क्रिस्पी हो रहे गाइस, ये देखिए भाई। गाय बहुत ही टेस्टी हो रहा है गाय, गाय इतने अच्छे हो रहे हैं गाय। आप भी अपने घर पे ये चने के दाल के पकोड़े जरूर बनाना गाय, इतने अच्छे हो रहे हैं ये पकोड़े गाय बनाना। ये देखिए गाय, वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 100 के लाइक। प्लीज़ गाइस पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, बाय।